गालिब कुमाल फैन से बात करते हैं। हेलो हेलो, हेलो गालिब, आ रही है? हाँ भाई, क्या हाल है, कैसे हो आप? आ रही है? बहुत बढ़िया। आपसे बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रहा हूँ स्ट्रीम पे कनेक्ट होने का। अच्छा मैंने वैसे आपको थोड़े मेल भी लिखे थे, ajakati@gmail.com से। मैंने आपको थोड़ी सी स्कॉलरशिप भेजी थी, आजकल कुरानिक स्टडीज में क्या चल रहा है। और मैंने आपको एक रिसेंटली ना वो एक फ्रेड डोनर का इंटरव्यू आया है 2 हफ्ते पहले, तो अब उसने बोला है कि ये बात कंफर्म हो गई है कि अब्दुल मलिक इबन मरवान के टाइम में ही कुरान फाइनलाइज हुआ था। और उसने छोटी मोटी एडिटिंग नहीं, उसने काफ़ी हद तक वो चीज़ों को रीइंटरप्रेट करके पास्ट टाइम में पोज किया था। तो आप वो इंटरव्यू ज़रूर देखना, मैंने आपको चले, मैं ईमेल किया है। देखूंगा उसको। मैंने और आपकी ईमेल एक देखी थी, पर मेरे पास ना टाइम नहीं होता, क्योंकि इतनी ईमेल आई होती हैं कि किस किस का रिप्लाई करूं। ठीक नहीं, है, बट जो वो तो ये तो जरूर देखना जो आज इंटरव्यू मैंने भेजा आपको। हाँ दूसरा एक निकोलाय साइनाय का भी वो था, उसने रिसेंटली वो रिलीज करा है, academia.edu करके एक वेबसाइट है, मेरे को पता नहीं आपको पता है या हाँ नहीं। पता है मुझे, उस रिसर्च पे पेपर्स होते हैं। हाँ हाँ, तो बस उस पे मतलब मैंने तो सबको फॉलो किया हुआ, तो मैं पढ़ता रहता। तो उसने इसमें वो आर्ग्यू कर रहा है कि देर वॉज नो मक्का इन मदिया कुरान। एक प्री एग्जीजेलिकल और पोस्ट एग्जीजेलिकल कुरान थी, और मतलब उसने बहुत अच्छे से आर्ग्यू करा। आप वो वाला मैंने आर्टिकल भी आपको मेल करा, तो आप वो भी जरूर पढ़ना। बट ये फ्रेड डोनर का इंटरव्यू तो आप जरूर देखना। हाँ फ्रेड डोनर का तो मैं देखूंगा, बहुत सारी बात है, वो नॉलेजेबल बंदा है। और क्या बात करेंगे आप? बस यही बताना था। और तो मैंने आपको बहुत चीज़ें उस मेल में लिखी थी, आप एक बार एक टाइम मिले तो ज़रूर देखना। हदीस के बारे में, क्रिटिकल स्टडीज के, हदीस कहाँ तक पीछे जाती है। वो सिर्फ जो जो 8th सेंचुरी में जो फॉलोअर्स थे ना, मतलब जो मुस्लिम बन चुके थे तब लोग, वहाँ तक जाते हैं। या जो अगर आप पीछे से पीछे भी ले जाओ हदीस, तो सिर्फ जो 4 कलीस थे वहीं तक जाती है। तो कोई भी ऐसी हदीस नहीं है जो डायरेक्टली विद कॉन्फिडेंस आप बोल सकते हो कि नहीं भाई, ये तो डायरेक्टली मोहम्मद के मुंह से ही बोली गई है। तो एक ये भी था, वो एक है ना, वो क्या नाम है उस बंदे का, जोशुआ, जोशुआ लिटिल करके कुछ वो स्कॉलर है। तो उसका भी आप इंटरव्यू देखना, उसने बहुत सारे 2 घंटे का उसमें पॉडकास्ट, उसमें एक एक वो हदीत खोल के दिखाता है कि भाई ये देखो, ये चीज़ जहाँ तक पीछे जाती है, ये चीज़ जहाँ तक पीछे जाती है, ये चीज़ जहाँ तक पीछे जाती है। इसका ये मतलब है कि कोई भी आप हदीत एक भी नहीं बोल सकते कि आपके के डायरेक्टली कोई डायरेक्टली कि मोहम्मद पे जाती है। तो मेरे को लगा ये 3 पॉइंट बहुत स्ट्रांग है। पहली बात तो अब्दुल मालिक के बर मरवान वाली बात, उसके फ्रेड डोनर दिखाता है कि देखो आप वो जो डोम ऑफ द रॉक पे जो वर्सेस लिखे हुए हैं और जो आज हमारे पास कुरान है, उसके वर्सेस मैच नहीं हो रहे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 692 या 88, जब भी आप डेट मान लो उसकी, वो मेरे को ढंग से एग्जैक्टली याद नहीं है डोम ऑफ द रॉक की क्या डेट है, कि मतलब तब तक भी चेंजेस वो कर रहे थे ना, इसलिए तो वो वर्स मैच नहीं हो रहा जो वर्स लिखा हुआ है कुरान का डोम ऑफ द रॉक पे, और जो कुरान आज हमारे पास है उसका वर्स ही मैच नहीं हो रहे। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि 692 के बाद तक भी खुली हुई थी कुरान, 710 तक खुली थी, 715 तक खुली हुई थी, और उस टाइम में आके ये पैक हुई है। और बहुत सारे चीज़ें जैसे जो वर्ड का मीनिंग है, जिहाद का जो मतलब है, वो थोड़ा सा रीइंटरप्रेट करा गया है। मोमिनीन वर्ड को रीइंटरप्रेट करा गया है। वो हिजरा, हिजरा के बारे में वो बहुत सारे वो दिखा रहा है कि हमें 622 का डॉक्यूमेंट मिला है, 622 का मिला है, 644 का डॉक्यूमेंट उनको मिला है, कि उसमें वो बता रहे हैं कि यार ये डॉक्यूमेंट्स तो हमें मिले हैं बट इसमें कहीं भी हिजरा मैंशन नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि ये कुछ ना कुछ तो है बट ये हुआ कुछ और था, और उसको बाद में रीइंटरप्रेट कर दिया लोगों ने। और उसके बाद मतलब ये ईयर 700 और 705 में इन्होंने बैठ के पीछे जब वो नज़र डाल रहे थे कि हुआ क्या है हमारे पास्ट में, उसको देख के इन्होंने सब कुछ रीराइट करा एक्चुअली में ये क्या चक्कर है कि इस्लाम जो है वो अब्बासीड, जो आज आपके सामने इस्लाम है, ये अब्बासीड्स का इस्लाम है। का। ठीक है, ये क्या कहते हैं उसको, बाकी रहा हदीस की बात, रसूल से नहीं जुड़ती है, उसको आप छोड़ें, कुरान ही रसूल अपना रसूल से जुड़ रहा है। ठीक है ना, कुरान भी रसूल से नहीं जुड़ रहा है। सो ये अच्छा उससे, और उसके अलावा हमें अभी तक कंफ्यूजन है कि मोहम्मद क्या था, कौन था और कितने मोहम्मद थे। ठीक है, और मोहम्मद की डेफिनेशन क्या है।
नहीं, आई थिंक मतलब ये पॉइंट तो काफ़ी टाइम से थोड़ा सा रिफ्यूटेड है. मतलब आप ये तो रॉबर्ट हॉलैंड और फ्रेड डॉनर और स्टीफन श्यूमकर जो तीनों प्रोमिनेंट स्कॉलर हैं, तीनों ये बात एग्री करते हैं कि भाई देर वॉज अ हिस्टोरिकल मोहम्मद और ही वॉज अ रिलीजियस टीचर ऑफ सम काइंड. बट उसकी और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ये भी पाए गए हैं कि मतलब के मतलब देखने के लिए कि उस टाइम क्या चल रहा था. मतलब मैं इस थीसिस से एग्री नहीं करता बट समवॉट एग्री करता हूँ क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इसका. लेकिन कि लेकिन कि लेकिन सर 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 हमारे पास मोहम्मद के होने का कोई सबूत नहीं. ठीक है, आप एग्री, वो दोनों, वो तीनों एग्री कर रहे हैं, रॉबर्ट होलैंड भी कर रहा है, लेकिन वो किस बिना पे कर रहा है, आप इसको देखें. ठीक है ना, तो उसने मोहम्मद की जो जो मोहम्मद है उसका मतलब है टेम्पल प्रेज, या उसका दूसरा मतलब है प्रेज्ड वन. कोई भी बंदा अपने आप को मोहम्मद डिक्लेयर कर सकता है कि मैं इस वक्त का मोहम्मद हूँ, प्रेज्ड वन हूँ. ठीक है, और अब ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अगर मोहम्मद कोई प्रीचर था तो मोहम्मद तो मर गया 632 में, लेकिन हमारे पास तकरीबन 15 ऐसे रेफरेंसेस हैं, 15 ऐसे रेफरेंसेस हैं जो मोहम्मद को अपना क्या कहते हैं उसको यरूशलेम के ऊपर कॉन्क्वेस्ट में मौजूद पाते हैं. मैं भी वो मानता हूँ, मैं भी उस बात में मानता हूँ. अगर वो मतलब के क्या नाम है, एक रेफरेंस होता, दो रेफरेंस होते, तीन रेफरेंस होते, मतलब हर एक बंदा को गलत मतलब रेफरेंस दिया गया कि क्या नाम है मोहम्मद जो था वो कॉन्क्वेस्ट में, वो इसका मतलब ये है कि मोहम्मद, देखिए एक है जो पहला जो रेफरेंस आता है उसमें महमत, MAHMAT महमत, उसका मतलब है काउंसिल. ठीक है, एक हाँ जी, उसका मतलब है काउंसिल, मतलब कि कोई भी जितने भी वो सारे लिख रहे थे वो मोहम्मद को इसलिए मोहम्मद लिख रहे हैं कि वो काउंसिल का लीडर होगा जो भी मोहम्मद है. अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अबू बकर. ठीक है, अबू बकर नाम सुना होगा आपने. अब जो बकर जो है वो कबीला है इराक के अंदर, एक एशियन कबीला है इराक, अपना इराक के अंदर वो उसका नाम बकर था. उसका जो भी वो बनता था क्या कहते हैं उसको अपना लीडर बनता था उसको वो अबू बकर कहा करते थे, यानी कि बकर का बाप. ठीक है, अब हमने एक नाम बना दिया कि वो अबू बकर था जी. ठीक है, इसी तरह मोहम्मद. अब ये बात निकलती है जब आप इसको पीछे मतलब के लेके जाते हैं तो ये बात निकलती है कि शहंशाह, एक सुना होगा लफ्ज आपने शहंशाह, इसका मतलब है शाहों का शाह, नॉट दुनिया का शाह, शाहों का शाह, मतलब के जितने भी आप शाहों के शाह हैं उसको क्या नाम है वो शहनशाह होगा. और ये शहनशाह लफ्ज आया है अपना ये पर्शिया से, पर्शियन से. ठीक है, वो क्या करते थे कि वो करते थे कि जगह जगह वो अपनी सल्तनतें बना देते थे, उनके उनको शाह लगा दिया करते थे जो उनके उनके बादशाह होते थे. लेकिन बादशाहों का बादशाह जो होता था वो शहनशाह होता था, वो जो पर्शिया का मतलब जो भी मतलब के शहनशाह होता था वो उनका इस तरह. इसी तरह वो मोहम्मद भी लगा सकते हैं. एक और बात कहना चाहता हूं मैं. अच्छा, वो एक बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. गालिब भाई सुन रहे हो आप? हाँ मैं सुन रहा हूँ. तो एक ना वो चीज है ना, एक मतलब कुरान में वर्स है मैरी द सिस्टर ऑफ आयरन वाला, वो अब उसका भी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट रखा था स्टीफन शूमेकर ने कि ये जो एग्जैक्ट वर्ड्स है ना, ये उसने एक चर्च है सीरिया में कथसिलिमा चर्च, जब इन्होंने इन्वेड किया था ना सीरिया को मुसलमानों ने, तो उस चर्च को तोड़ा था, वहां से सारी इन्होंने किताबें उठाई और ये एग्जैक्ट वर्जन ऑफ जो क्रिश्चियनिटी को रिफ्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये वो एग्जैक्ट वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी उस चर्च में एग्जिस्ट करता था, तो इन्होंने ये वर्ड्स वहां से उठाया है. और वो उस चर्च में ये लोग मानते थे मैरी द सिस्टर ऑफ आयरन को, और इसलिए वो वर्ड्स नहीं, मैरी सिस्टर ऑफ आयरन तो मैरी थी ना, वो मैरी एम उसको बाइबल में कहते हैं. वही 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 वही, क्योंकि उन दोनों की उसका चर्च भी कहीं ना कहीं किसी ने बनाया होगा, ऐसी बात नहीं है. हर सेंट और हर प्रॉफिट के नाम पे कहीं ना कहीं दुनिया में कोई ना कोई चर्च बना ही हुआ है. ठीक है, या वो इराक में अपना, सॉरी सीरिया में है वो चर्च जो है. हाँ ठीक है, वो और सीरिया वाला इलाका वह है जिसे वॉन्डरिंग इन द डेजर्ट वाला इलाका माना जाता था, तो उसके अंदर इनके चर्चेज मिलेंगे.
डेफिनेटली हाँ, और वो चर्च की अभी उन्होंने खुदाई की है तकरीबन ये पिछले 20 साल में, तो वहां के ऊपर वहां पे तो इन्होंने बेसिकली ये 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 जो था इनका मेरे हिसाब से ये जो वन गॉड अल्लाह वाला कॉन्सेप्ट था इनका, ये तो प्री मोहम्मद एरा का था। तो अगर कोई मोहम्मद था भी हिस्टोरिकल, जो मैं तो मानता हूँ कि वो हिस्टोरिकल मोहम्मद था और वो था किसी तरीके का रिलीजियस फीचर, तो वो यही सिखा रहा होगा कि यार तुम्हें अल्लाह मतलब किसी भगवान में बिलीव करना चाहिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रीचर वो कोई भी नहीं था, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं बताया गया, कोई हमें डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास जिसमें उसको रिलीजियस प्रीचर कहा गया। उसको ये कहा गया है कि वो एक 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 में कहा गया है वो मर्चेंट था, यस 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 हाँ जी, एक में उसको कहा गया मर्चेंट था। जिस रिलीजियस प्रीचर की वो बात कर रहे हैं वो सरासन से, वो अपना क्या नाम है इसका, वो नबी जिसको आप ये कह सकते हैं कि वो क्यामत के आने दिन के आने से पहले वो यस्सू का जो अपना ऐलान करने वाला है कि ये जो मसीहा आने वाला है वो उसका ऐलान करने वाला था, ठीक है। और वो तो ये लोग जो पैलेस्टाइन गए तो इन्होंने मस्जिद थोड़ी बनाई, पहले इन्होंने मस्जिद थोड़ी बनाई, इन्होंने प्रेयर सेंटर बना दिया। अगर भाई तुम अच्छा थे, अगर कोई इस्लाम था, अगर एग्जिस्ट करता था और कोई मोहम्मद था और इतना फॉर्म्ड तुम्हारा रिलीजन था जैसे तुम बता रहे हो, तो फिर तो ये पॉसिबल है तुम्हें जाते ही वहां मस्जिद बनानी चाहिए थी, तुमने मस्जिद क्यों नहीं बनाई वहां जाके। नहीं सर, मतलब कि जब आप ये इसको देखते हैं ना, तो अपना वो जो 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 पहला हमें उसका वो मिलता है, जिक्र मिलता है, वो ऐसे ऐसे आदमी का मिलता है जो क्रिश्चियन होना चाहिए, ठीक है, और वो सरासंस के साथ है। एक क्या नाम था उसका बंदे का, उसके वो भी स्कॉलर है, उसके हिसाब से जो सरासंस हैं वो सारा की औलाद है, मैंने भी पढ़ी थी ये, बट आई एम नॉट टू ठीक श्योर है। कि हजेरियन यार जो इसका भी है, हो सकती है बात। जो हजेरियन है वो हाजरा की औलाद थी, वो इस्माइलियाई से, तो ठीक है। अगर वो बंदा, अगर वो कह रहे हैं कि एक एक बंदा है जो सरासंस के साथ आया है, ठीक है, उनके साथ वो जो अपने आप को जो भी वो डिक्लेयर कर रहा है, तो वो अपना वो नबी नहीं हो सकता, ये अपना मोहम्मद नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी पूरी डेफिनेशन दूसरी है। और इनके इनके सारे किबले भी जुरूसलम की तरफ हैं, सारे के सारे किबले इनके जुरूसलम की तरफ नहीं, इनके सारे के हैं। सारे किबले जो हैं वो पैतरा की जानब है। अच्छा, और इनकी प्रेयर की डायरेक्शन भी पेट्रा की तरफ थी या जरूसलम की तरफ थी, किसकी इन लोगों की शुरू में प्रेयर की ये डायरेक्शन? इनकी डायरेक्शंस जो थी वो जो पहले अबाद गए हैं, पहले 100 साल की जो डायरेक्शन है वो पैतरा है। इवन के जो मस्जिद अक्सा है उसकी डायरेक्शन भी पैतरा है, ठीक है। और उसके इन्होंने बाद और मतलब जो अबासीड थे, अबासीड वहां से अपना पैतरा से सिर्फ 20-25 माइल दूर उनका वो क्या नाम था उसका, गालिब भाई आपको याद होगा, हाँ जी, एला उनका में रहते थे ये, पैतरा से थोड़ा ही दूर है एला। और हाँ एक और जी, चीज, और और वहां एक और से चीज, जी वहां से अल उला में रहते थे, राइट, और वहां एक पे और चीज, उनकी हाँ। जो मस्जिद उन्होंने बनाई है उसका रुख भी पैतरा है, ठीक है। ये सारा कुछ अपना गो के पैतरा जो था वो मोहम्मद का अपना शहर नहीं था, अगर मोहम्मद कुरैशी था तो वो सीरिया में रहता था, ऊपर रहता था, क्या नाम है इसका, यरूशलेम के ऊपर रहता था, तकरीबन कोई 200 माइल दूर सीरिया में, जहाँ पे कुरैश रिवर भी है और कुरैशियों की बस्ती भी है, जिसके हम वो हम ढूंढ चुके हैं, ठीक है। उमर जो पहली मर्तबा मस्जिद अपना वो वहां पे पहुंचा यरूशलेम में, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड मेकिंग ऑफ एनी, क्या कहते हैं उसको, मस्जिद, ही वॉज इंटरेस्टेड इन दैट स्पेशल स्टोन जिसके ऊपर इसहाक की कुर्बानी की गई थी, जिसको जिसको वो मतलब के मुकद्दस समझ रहा था अपना। उसने किसी वो, मेरा दिमाग से वो नाम निकल गया, वो यहूदी था, उसके साथ मिलकर सबसे पहले उसने वो ढूंढी, वो जगह ढूंढी, उसके बाद उसने उसको सफाई करवाई, वहां से पत्थर निकाला, बराबर पे उसने अपना ये बनाया मस्जिद अक्सा, जैसे डोम ऑफ द रॉक कहते हैं, वहाँ पे उसने बिल्डिंग वगैरह छोटी मोटी खड़ी की। और बाद में ये जो डोम ऑफ द रॉक बिल्डिंग जो है, इसका सारा स्ट्रक्चर या इसको जो नक्शा उन्होंने बाद में मालिक ने जो क्या नाम है अब्दुल इसको, मालिक,
हाँ जी अब्दुल मालिक ने इसको जो कॉपी किया है वो सेम चर्च है जिस चर्च की आप बात कर रहे हैं, जहां से वो बिल्कुल आयत बिल्कुल उतरी है, बिल्कुल जहां से बिल्कुल वो आयत एग्जैक्टली उतरी बिल्कुल गई सही है। बोला। और एक और ठीक बात, है एक और बात, एक और बात, गालिब आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ जी हाँ हाँ वो जी मैं सुन रहे सुन हैं। रहा हूँ। तो एक चीज और मैंने वो भी पढ़ी थी, एक स्टीफन शूमेकर की किताब है क्रिएटिंग द कुरान, उसमें वो ये कह रहा है कि जो जो ये था ना मक्का, ये हाउस ऑफ इब्राहिम, ये जो वो जो मस्जिद हराम है, वो भी 682 में अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने ही बनाया था। उसको मेरे को अच्छे से डिटेल्स याद नहीं है उस पैराग्राफ की, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मेरे को पढ़े हुए, बट उसमें अब उसके आप बुक पढ़ोगे अगर क्रिएटिंग द कुरान, उसमें वो ये चीज़ भी वो एविडेंस दे रहा है इसका कि 682 में इन्होंने जब ये स्टोरी चेंज कर रहे थे मोहम्मद की, और इन्होंने एंडिंग्स चेंज करी तभी इसकी इसका डेथ डेट चेंज कर दी, 634 636 को हटा के नहीं, 632 कर दी, उसका और हमें फिर उसका हमें सबूत हमारे पास रॉक इंस्क्रिप्शन में सबूत मौजूद है, जिसके अंदर उसका ईयर 84 बताया गया, हिजरी 84, ईयर 84 यानी कि जो हिजरा जिसे बाद में बोला गया है, उसके 84 साल में वो जो अपना मस्जिद नबवी जो सॉरी अल हराम, मस्जिद अल हराम जिसके अंदर काबा मौजूद है वो बनाई गई। तो इसका मतलब 82 बोल रहे हो आप, तो 22 + 82 ऐसा हाँ जी 22 + 82 कर लीजिए, तो कितना हो गया ये, मतलब 705 710 में बना आपके हिसाब से 22। ये? हाँ जी नहीं नहीं तकरीबन 22 नहीं, ये 682 की बात कर रहे हैं, 1 सेकंड मैं आपको बताता हूँ, ये सिक्सटी बना सिक्स है सिक्सटी एक तकरीबन 50-60 years आफ्टर द डेथ ऑफ द सॉरी प्रॉफिट बना सॉरी है। सॉरी मैं 692 में मस्जिद नबी बनी है और मस्जिद हराम भी कोई इसके आसपास ही बनी है, ठीक है। ये सिक्स कहाँ से बोला? नाइनटीज की बात, मस्जिद नबी तो शायद 705 में बनी है, मस्जिद हराम जाए 692 इसके अराउंड अबाउट बनी है आह मेरे हिसाब से, नहीं, या ये तो बनी है, 682 या तो 92। मेरी बात सुनिए, हाँ 78 हिजरा में वो बनी है, उस हाँ तो सिक्स नाइनटी सिक्स सिक्स नाइनटी सेवन 698 में बनी है, हाँ बिल्कुल यही बात है। राइट तो हाँ। ये बहुत ले मतलब हजरत मोहम्मद के वो बहुत बाद बनी है मस्जिद हराम भी, और नहीं मस्जिद नबी तो उससे भी बाद बनी है। हाँ जी, और उसको इसको देखिए ना आप, वो फिर किबला से जब आप मस्जिदों का किबला देखते हैं तो उससे आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ आ जाती है कि 100 साल बाद मस्जिद के किबले क्यों तब्दील होना शुरू हुए। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये डेट बिल्कुल फिट बैठती है, 697 698। तो आपने मतलब मस्जिद वो बना दिया है, मस्जिद अपना अल हराम मस्जिद बना दिया है, अब क्या कहते हैं उसको, लोगों को उसकी तरफ कायल भी करना है कि नहीं तुमने इधर करना है, तो इट टुक मतलब अनदर 10 years टू आई मीन मेक श्योर के मतलब द थिंग्स आर आई मीन गोना गो दिस वे। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल या राइट बिल्कुल। और इसके बाद इन्होंने बायोग्राफी लिखी इसकी 730 740 में, वो तो भाई क्या क्या ही कहने उसके, तो जो बाद में लिखता है उसको पहले वाले से ज्यादा पता होता है। उसके बाद एक और 100 साल बाद बुखारी आता है, उसको सबसे ज्यादा पता होता है, ऐसा हो कैसे सकती है बात? हाँ वो सारा उल्टा है ना, ये कह रहे हैं कि बाद में आने वाले हिस्टोरियन जो हैं वो ज्यादा एक्यूरेट हैं, और ये हमेशा ये रिविजनिस्ट हिस्ट्री होती है जो कि हिस्ट्री को बदला जा रहा होता है, इसलिए यूं होता है ऐसे, वैसे ही नहीं हो जाता। ये इस बात की निशानी है कि झूठ बोला जा रहा है, जब भी कहीं पे अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि झूठ बोला जा रहा वही तो ये 730 है। 740 में लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, और लोग उसको उनको दिक्कत आ रही होगी कि कहानी क्या है भाई इस बंदे की, तो कहानी इसकी कहीं लिखी नहीं हुई, तो अब कहानी वो फिर बायोग्राफी इसकी बनाई होगी धीरे धीरे बैठ के, और किसी इसीलिए ना किसी मोहम्मद का जो मोहम्मद की शख्सियत है वो कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती है कि क्या नाम है, जब ये इसको डिटेल से आप देखते हैं तो जो उम्र है वो भी मोहम्मद हो सकता है, इब्ने कबीशा भी मोहम्मद हो सकता है, मरवान जो नाम था उसकी मतलब के बड़ी एक बड़ी स्पेशियस सी बात है कि उसकी माँ का नाम आमना था, बीवी का नाम आयशा था, अब बेटी का नाम फातिमा था। ठीक है हाँ जी, सो इस तरह तो रियली अच्छा, और ये बाप भी था मलक का, जो जिस तरह वो आके मालिक इब्ने मालिक जो है वो डोम ऑफ द रॉक के ऊपर इंस्क्रिप्शन जब फिट कर रहा है तो वो मोहम्मद अपने आप को कह रहा है कि मैं मोहम्मद हूं, मैं प्रेज्ड वन हूं। बिल्कुल
ठीक है, अच्छा हाँ जी, वो मोहम्मद, वो भी अपने आप को मोहम्मद कह रहा है। उसके बाद उमर को भी लोग मोहम्मद कह रहे हैं क्योंकि वो उमर वहां पे उस टाइम जिंदा था। मतलब ये कैसे हो सकता है कि 632 में मरने वाला आदमी जो है वो अगली दो तीन कॉन्क्वेस्ट में जो है क्या नाम है इसका मार्को में है वो शरीक है, वो कैसे जिंदा फिर रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो ये वर्जन है कि वो मतलब वो कोई ये कोई मोनोथिस्टिक मूवमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी जब मोहम्मद पैदा हुआ होगा, जब भी ये मोनोथिस्टिक मूवमेंट जो है ये तो पूरे अरब में थी ना, मतलब कि हर एक बंदा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी, क्योंकि बिल्कुल अब तक की मिलने की इंस्क्रिप्शंस पहले हमें आज से 5 साल पहले तक हमारे पास बहुत चीदा चीदा चंद इंस्क्रिप्शंस थी, लेकिन पिछले 5 साल में हमारे पास मोर देन 40,000 इंस्क्रिप्शंस है, 40,000 इंस्क्रिप्शन, मोर देन 40,000 इंस्क्रिप्शंस है। हाँ, अच्छा, बिल्कुल उनमें बिल्कुल, जो मैं बता पांच रहा हूँ, मैं बता हाँ रहा हूँ, जी मेरे हिसाब से तो ये हुआ अच्छा, था आपने जो मेरे साथ फाइलें शेयर की हैं आपने उनका एक्सेस तो दिया नहीं हुआ, वो खोल ही नहीं रही हैं। अच्छा मैं देखता हूँ, एक सर ये दोबारा से करता हूँ। हाँ, वो तो खुली मैं नहीं मेरे है। हिसाब से पता क्या हुआ था, मेरे हिसाब से ये कोई मोनोथिस्टिक मूवमेंट और चला आप था इनको जिसमें कोई, ईमेल में ही अटैच कर देना, ड्राइव हाँ से मैंने देने की ईमेल में क्या डाल जरूरत के है? भी डाली, क्यों कोई बड़ी फाइल सिर्फ नहीं खुल रही होगी, मैं देखता नहीं, हूँ आप मैं इनको डाल दो ईमेल्स में, तीन ईमेल्स में करें ना तो फिर वो आराम से आ जाएंगी। एक के। ईमेल अच्छा में अच्छा आपने तीन फाइलें अगर 15-15 MB की कर दी तो उसने नहीं भेजनी ना, नहीं अच्छा भेजेगा। मैं देखता हूँ देखता हूँ। और दूसरी बात, वो मेरे हिसाब से पता क्या हुआ था, मेरे हिसाब से ये कुछ जो हिस्टोरिकल मोहम्मद था तो वो कोई किसी तरीके का मोनिस्टिक मूवमेंट चला रहा था, उसके बाद ये जब सीरिया में गए, पैलेस्टाइन में गए, और उन्होंने देखा होगा कि यार ये क्रिश्चियंस तो कैसे साले हल्के से लोग हैं, इनको अपनी थियोलॉजी नहीं पता, ये कोई ट्रिनिटी को मानता है कोई नहीं मानता, ये तो बड़े हल्के लोग हैं, और उस टाइम ये अलग हो गए होंगे कि नहीं यार तुम तो हल्के लोग हो, नहीं, हम तो ऐसा बता नहीं देंगे। हुआ है, ऐसा हाँ नहीं हुआ सर, इनको ऐसा नहीं। एग्जैक्टली पता था वो कौन है ये, क्योंकि ये ज्यूइश क्रिश्चियनिटी के मानने वाले लोग थे जिन्होंने एक नया रिलीजन इन्वेंट किया था, इन्हें एग्जैक्टली पता था कि मोनोफिसाइट और चेल्सिडोनियन क्रीड क्या है, इनको ये भी, इनको सारी किस्म की क्रिश्चियनिटीज का पता था। ठीक है, बट ये ये पता ईस्टर्न होगा ना कि की बता हुआ क्रीड को गया भी जानते थे, रोमन को भी जानते थे, वो इनको नहीं जानते होंगे, वो एक अलग बात है। है। हाँ हाँ नहीं, हाँ वो भी बिल्कुल। इनको और जानते थे, बट इन्होंने ये मिसियानिक, देखा होगा ना, ये इन्होंने ये देखा होगा कि मिसियानिक क्रिश्चियंस थे, मिसियानिक क्रिश्चियंस थे, ये इस तरह हाँ, की चीजें थी सारी। मोनोफिजाइट्स, मोनोफिजाइट्स और डायफिजाइट्स। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इन्होंने ये देखा होगा कि यार ये तो बिखरे हुए लोग हैं, इनको तो इनके पास अगर ये इनका नहीं, खुदा ऐसा कलाम है तो ये ऐसा कुछ इतने नहीं हुआ, सारे फिरके क्यों हैं ऐसा इसमें, कुछ तभी ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको ऑलरेडी एक दूसरे को जानते थे, और ये बाद में अब्बासीड ने आके जब पूरा रूल करना शुरू किया, उन्होंने कहा, सोचा कि हमने इतनी बड़ी सल्तनत बना दी है और हमारे अपना बिलीव जो है वो बिल्कुल उनकी तरह के सेम है, और उसके अलावा उनको क्रिटिसाइज भी बड़ा किया जा रहा है। सो दे वेंट अहेड एंड इन्वेंटेड द होल थिंग, और इस्लाम को, मोमिनीन को उन्होंने इस्लाम कर दिया, और ये बड़ी लंबी कहानी है। वी आर अबाउट टू आई मीन स्टार्ट अपना सीरीज ऑन इट प्रेटी सून, जिसके अंदर हम हर और बस एक दो चीज और ऐड जो करना चाहूंगा, बाकी ये वन गॉड अल्लाह वाला कॉन्सेप्ट तो 200-300 साल से मौजूद था अरेबिया में, ये तो आपको पता होगा ना गालिब, ये जो वो अहमद अल जलाद मैं करके कई एक बार बहुत इस पर था। बात कर चुका हूँ, असल में बातें ना रिपीट हो रही हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, अभी फिलहाल भी ये बातें ठीक इस चैनल के ऊपर कम से कम भी 10-10 बार हो चुकी हैं सारी, हाँ हाँ ठीक बस है। मैं बस वो आपने मैंने हाँ आपको कल परसों कोई वीडियो देखी थी, आपने उसमें बोल रहे थे कि हमें नहीं पता कि कुरान का पैक हुआ, तो तब मैंने उसका रिस्पॉन्ड करने के लिए मैंने कहा आज तो जरूर जाऊंगा स्ट्रीम पे, 1 घंटा भी वेट करना पड़ा ना, बताऊंगा कि भाई अब तो 2-3 लोगों ने कन्फर्म कर दी है बात, और अब तो ये कन्फर्म ही है बात कि भाई ये तो अब्दुल मालिक इब्न मरवान के टाइम पे ही बनी थी और ये 710 तक खुली हुई थी, नहीं, और स्कॉलर्स इस असल में ना, तरह स्कॉलर्स जब कहते हैं ना कि उनको कंफर्म है कि ऐसे हुआ है, से। तो मतलब अभी असल में ना मुझे नहीं पता कि कोई नया एविडेंस आया हो कि नहीं, और मैं काफ़ी अपडेटेड हूँ जो एविडेंसेस आते रहते हैं उनसे, ठीक है। मैं जब ये कहता हूँ ना कि हमें अभी एग्जैक्टली नहीं पता कि कुरान कैसे बना, किसने बनाया, ठीक है, और क्यों, कि पहली कंपाइलेशन ऑफ कुरान कहाँ हुई, और ये शायद हमें कभी भी पता ना लग पाए। कुछ ऑथर्स जो होते हैं वो अपनी किसी बेसिस के ऊपर कोई अंदाज़ा लगाते हैं, मगर नेसेसरली मैंने मैंने जितनी भी किताबें इन पे पढ़ी हैं ना अभी तक, मैंने ये देखा है कि टॉम हॉलैंड है ना वो एक डिफरेंट एंगल से आ रहा है, ठीक है, पैट्रिशा क्रोन है वो टोटली डिफरेंट एंगल से आ रही है, ठीक है,
जेरेड प्यूमेना ना, तो वो किसी और एंगल से आ रहा है। फिर इधर इधर से अगर हम डिनेवो को देखें तो वो किसी और एंगल से आ रहा है। और कंप्लीट पिक्चर अगर एक के एंगल को दूसरे के एंगल से मैच किया जाए ना, तो किसी की एक बात डीबंक हो जाती है। कभी दोनों की पिक्चर जब आप देखते हो तो फिर आपको लगता है कि यार इन दोनों की बातों में कहीं मिडिल ग्राउंड, कहीं दरमियान में है। हाँ, बट रिसेंटली जो ट्रेंड्स हैं, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सारे रिसेंट ट्रेंड्स हैं। ये जो कंसेंसस, हाँ, मगर देखना पड़ेगा ना ये कौन जो बातें कर रहे हैं। जो आप मुझे कह रहे हो फ्रेड डोनर ने जो बातें की हैं, फ्रेड डोनर की बातों को मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, तो इसलिए डेफिनेटली ये कहना कि एग्जैक्टली किसी एक बंदे को भी पता चल चुका है कि कैसे ये बना था। असल में मसला ये है कि ये सारे क्लेम्स के पीछे ना आर्कियोलॉजी अभी थोड़ी कम है, समझ गए आप। मैं जिस नतीजे में हमेशा इस्लाम के बारे में पहुंचता हूं ना, वो ये बातें बताई जा सकती हैं कि झूठी कौन सी हैं, सच्ची कौन सी हैं, ये नहीं बताया जा सकता, समझ गए आप। तो सच को ढूंढना जो है ना, वो हमेशा थोड़ा मुश्किल काम होता है। झूठ पकड़ना आसान काम होता है कि झूठ तो एक आदमी ने एक झूठ बोला, उसमें 7 डिटेल्स हैं, उनमें से 4 आपकी झूठी साबित हो जाए तो बस वो बंदा झूठा हो गया बस। मगर सच साबित करने के लिए आपको 7 की 7 सच्ची साबित करनी पड़ेगी, ठीक है, ये मसला है। तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। अभी भी सर्टेनिटी के साथ ये नहीं कहा जा सकता। फ्रेड डोनर बहुत बड़ा स्कॉलर है, मगर जितना मैंने पढ़ा, मेरे ख्याल में अभी कुछ टाइम लगेगा, एटलीस्ट कुछ टाइम लगेगा, अगर इफ वी आर लकी। इस्लाम की स्कॉलरशिप असल में शुरू ही प्रॉपरली शुरू ही, देखें शुरू में वो आ रहे थे लोग जो के लिख रहे थे इस्लाम के बारे में, जॉन वॉन्सब्रो को, पैट्रिशिया क्रोन को कोई सीरियस ही नहीं ले रहा था, ठीक है। अब लोगों ने उनको सीरियस लेना शुरू किया। अब पहले टीयर ऑफ, यानी वो कोई 5 से 6 लोग थे जिन्होंने ये सारा काम किया हुआ पीछे, माइकल कोक, हाँ। अब कोई मेरे ख्याल है कि सैकड़ों में तादाद है जो के स्कॉलर्स इस्लाम की आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री पे काम कर रहे हैं, अभी भी टाइम लगेगा। बल्कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रॉबर्ट हॉलैंड को मैं मिला जाए और उससे इंटरव्यू लिया जाए, क्योंकि वो यहाँ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में आ गया। आप इंटरव्यू को जरूर ट्राई करना, गालिब स्टीफन शूमेकर को और फ्रेड डोनर और रॉबर्ट हॉलैंड को। अब थोड़ा नया माल आ गया ना, मैं इनको देखता रहता हूँ, academia.in पे नए नए पेपर पब्लिश करते रहते, तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया रहता है कि किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं लोग। असल में इंटरव्यू के लिए इनमें से किसी को रीच आउट किया भी जा सकता है, मैंने किया भी है कुछ लोगों को, मगर वो आगे से, क्योंकि मैं ज्यादा काम उर्दू में कर रहा होता हूँ, वो इसलिए इतना कुछ करते नहीं है। इंग्लिश चैनल पे मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा, तो इसलिए कोई बात नहीं है। दूसरी बात है कि बाकी जो यूट्यूबर्स हैं कुछ दूसरे, उनके तो हालात ही वो हैं कि वो तो बस इस्लाम बैशिंग में यकीन रखते हैं, उनको स्कॉलरली वर्क में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है किसी को भी, ठीक है। अब मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, लगेगी फिर किसी को तो लगती है, फिर मैं क्या करूँ, ठीक है। एटीट्यूड तो ऐसा ही है, हाँ हाँ जी। पैसे कमाते हैं लोग इससे, इस्लाम बैशिंग से। तो वो इसलिए फिर ये बात, स्कॉलरली वर्क की तरफ बहुत कम लोग हैं जिनका इंटरेस्ट है असल में। और YouTube पे तो मैं एक करता हूँ कोशिश के कोई हो इंटरेस्ट, और कई ऐसे हैं बीच में शहजादे जिनको लगता है कि ये मजाक है, ठीक है, क्योंकि खुद कभी कुछ पढ़ना नहीं है तो फिर उनको यही लगना है, ठीक है। नहीं, लॉन्ग टर्म में तो आपका काम बहुत काम आएगा, आप धीरे धीरे अगर रोज रोज वीडियोस बनाओगे तो जिसको सीखना होगा, जो पागल होगा वो तो पागल वाली हरकतें करेगा, जिसको सीखना होगा वो सीखेगा, सीधी बात है। नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमें किसी से क्या लेना भाई, हम तो ना किसी की नकल करते हैं और ना किसी को देख के ये सोचते हैं कि हाँ जी ये व्यूज बड़े ज्यादा आ जाएं तो ये हो जाए तो वो हो जाए, ठीक है। चलें ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, सही है। चलो, थैंक यू, आपसे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, ओके ओके, बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं, पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।